तो गाइस हम लोग आ चुके हैं एक बहुत ही ज्यादा ओपी वाले गेम के अंदर जिसका नाम है गाइस पॉपी प्ले टाइम। और ये एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया, बहुत ही ज्यादा खतरनाक, बहुत ही ज्यादा तगड़े वाला एक हॉरर गेम होने वाला है। और देखते हैं गाइस क्या ये हॉरर गेम हम लोगों को डरा पाता है कि नहीं। बाकी लगता तो नहीं है भाई कोई सा भी गेम हमको डरा पाएगा। वैसे गाइस मैं ये पहली बार कोई हॉरर गेम खेलने वाला हूँ। मैंने आज से पहले ना ही ग्रैनी खेली है, ना ही और कोई सी हॉरर गेम खेली है, कोई सी भी मतलब भूत वाली गेम मैंने खेली नहीं है। फर्स्ट टाइम हम लोग ये ट्राई करने वाले हैं गाइस, देखते हैं डरता हूँ कि नहीं मैं। फिलहाल तो यहाँ पर फटाफट से शुरू करते हैं। और यहाँ पर लिखा है चैप्टर 1 अ टाइड स्क्वीज, पहले चैप्टर का नाम है। ओके, एज एन एक्स एम्प्लॉय ऑफ पॉपी प्ले टाइम कंपनी यू फाइनली टर्न टू द फैक्ट्री मेनी इयर्स आफ्टर एवरीबॉडी विद इन डिसअपीयर्ड। इसका मतलब पॉपी प्ले टाइम नाम की कोई फैक्ट्री है, टॉय फैक्ट्री एक्चुअली में, और वहां पर हम लोग एक पहले एम्प्लॉय थे वहां पर, और अब हम लोग काफी सालों के बाद आए हैं जब सारे के सारे एम्प्लॉय वहां से गायब हो चुके हैं। तो चलो देखते हैं क्या कहानी होने वाली है। ओके, होल्ड एनी बटन टू स्किप। ओके, लगता है कुछ स्टोरी दिखाने वाले हैं हम लोगों के ये। ओके, यहाँ पर एक क्लिप चल चुकी है गाइस, और एक भाई साहब आकर कुछ बताने वाले हैं। आई थिंक हम लोगों को ये सब स्किप कर देना चाहिए, डायरेक्ट गेम के अंदर चलना चाहिए। स्टोरी तो मैंने तुम लोग बताई थी गाइस, एक नॉर्मल सी फैक्ट्री है, नॉर्मल सी नहीं है, टॉय फैक्ट्री है, और वहां पर हम लोग काफी सालों पहले काम करते होंगे, और वहीं पर हम लोग आए हैं शायद एक्स एम्प्लॉयज को बचाने के लिए, हो सकता है मे बी। बाकी तो ये नई सी जगह है, मेरे हाथ वाथ कहाँ है? हेलो, अरे हाथ वाथ कुछ नहीं दे रखा मुझे। ओके, यहाँ पर एक रूम है गाइस, ई टू ओपन डोर्स। ओके ओके, दौड़ भी सकता हूँ मैं, क्या बात है, अपनी बॉडी नहीं देख सकता मैं? अरे नहीं देख सकता, शीशा वीशा है क्या कहीं, वहाँ देख सकता शायद मैं। यहाँ पर एक टॉय रखा हुआ है, वेलकम। ओ ये है शायद जो मेन स्क्रीन पे लगा हुआ था। ओह काफी क्यूट सा है, शायद अपने को यही डराने वाला है। ये क्या चीज है, ये उठा सकता हूँ इसे? अरे उठ गया उठ गया उठ गया, शायद सीडी है उसमें, यहाँ लगी क्या सीडी? हेलो हेलो, कीबोर्ड का कुछ बटन वटन भी दब नहीं रहा यार, माउस ये उठ जाएगा, और ये रहा कुछ तो है यहाँ पर इसमें। ओके यहाँ पर लग गया गाइस, और टीवी, अरे तो वहां पे ही दे देते यार, इतना ऊपर के लगाने की जरूरत थी। इसके अंदर फिर से कुछ वीडियो से चल गई है, यहाँ पर हिंट विंट मिलने वाली है क्या अपने को? शायद नहीं, मुझे नहीं लगता है यहाँ पर अपने को हिंट मिलेगी गाइस। लाइक ईट हेल्दी। ओके ओके, ये क्या है इसके अंदर? हग्गी हग्गी और हग्गी, इसके अंदर ही था क्या अपना मॉन्स्टर? वैसे गाइस मैं तुम लोग बता दूं, वो जो ब्लू कलर का पफ टॉय है उसका ही नाम है हग्गी वग्गी, इतना तो मेरे को पता ही है। और इस गेम का नाम है पॉपी प्ले टाइम क्योंकि इस फैक्ट्री का नाम पॉपी प्ले टाइम। और शायद हग्गी वग्गी को यहाँ पर बंद करके रखा होगा, जो कि यहाँ से कांच वाँच शीशे वीशे फोड़ फाड़ के भाग गया। और हम लोगों को जाना कहाँ है एक्चुअली में? यहाँ पर मैं अपनी परछाई नहीं देख पा रहा यार। अरे ये दरवाजा भी नहीं खुल रहा भाई, ओ तेरी, ये इसका हाथ है। ओ भाई साहब ये देखो गाइज, यहाँ से ये हाथ की इसकी पेंटिंग, यहाँ से जाते जाते फिर इन दीवारों पे से होते हुए और फिर यहाँ तक इसका हाथ है, और दूसरे वाला हाथ उधर से जाते जाते पता नहीं किधर कोई है। बाकी तो मैं इधर नहीं गया एक बार, ओ उस पार का दिख रहा है मुझे। अच्छा ये दरवाजा खोलना है, खुल तो रहा नहीं है ये, यहाँ कोड वोड डलेगा क्या कुछ? हेलो क्या कोड डलेगा, एक सेकेंड। हेलो कहीं तो कुछ ऑप्शन होगा गाइस कोड पता करने का, इसी के अंदर तो नहीं छुपा कुछ ऑप्शन? हेलो ऑप्शन दे दो भाई कुछ। रीसेट, रीसेट क्या कर सकते हैं यहाँ से हम? ठीक तो ये चीज रीसेट हो जाएगी। ऊपर लाइट वाइट है, ऑप्शन तो यहीं पर होगा, एक सेकेंड। इसमें जो कलर्स यूज किए गए इस पोस्टर में वो हो सकता है? कलर्स तो कितने यूज किए गए, रेड येल्लो वाइट ब्लू, रेड येलो व्हाइट ब्लू, रेड येलो व्हाइट तो है ही नहीं, व्हाइट शायद ये, और ब्लू नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये कलर इतना तो पक्का है गाइस, कलर चार कोड का ही है, क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने ये प्रेस किया, ये प्रेस किया, ये प्रेस किया, और चौथा जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ तो ये वापस रीसेट हो जाता है। मतलब कलर तो कोई चार है और ये कोड चार कलर का ही है। अब ये ढूंढना पड़ेगा कि ये चार कलर कहाँ पर है, ये यहाँ से शायद। हेलो दरवाजा खोलो भाई, ये दरवाजा नहीं खुलने वाला। कहाँ पर मिलेगा ये कोड? यहाँ से शायद नीचे, लेकिन नीचे तो भाई बहुत सारे कलर्स हैं। अंदर से शायद, अंदर इधर शेल्फ वगैरह में देखते हैं गाइस, कुछ ना कुछ तो ऑप्शन होगा ही। हेलो
हेलो बॉक्सेस, कुछ है तुम्हारे अंदर ऑप्शन? ओ ये क्या है ऊपर? ट्रेन है क्या ये? ओ भाई साहब, मस्त ट्रेन है। शायद ट्रेन के अंदर हो कोई कोड वगैरह, हो सकता है। ट्रेन के ऊपर कैसे चढ़ूँ मैं? यहाँ से हाँ, जंप करके यहाँ तो आ गया मैं। और अब यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन। और फिर यहाँ पर, अरे यार कैसे चढ़ना है इस ट्रेन के ऊपर? नहीं नहीं गाइस, ट्रेन के ऊपर चढ़ना तो मुश्किल लग रहा है। एक सेकंड, कहीं ये ट्रेन का ही तो कुछ कलर नहीं है? ये भी तो चार डब्बे ही हैं, लेकिन यहाँ ग्रीन के आगे कुछ ब्लू कलर का भी है। वो ब्लू लूँ कि मैं ग्रीन लूँ? आई थिंक गाइस मुझे ग्रीन के साथ जाना चाहिए। ग्रीन, पिंक, लेकिन पिंक के ऊपर फिर ये व्हाइट कलर का एरो भी बना हुआ है। नहीं, ग्रीन, पिंक, येलो, रेड। अरे लेकिन ये पिंक के अंदर फिर रेड कलर का बॉक्स भी है। कंफ्यूज कर रही है ये ट्रेन मुझे। मुझे लगता है ये ऑप्शन होगा, बट एक बार ट्राई करना चाहिए। ग्रीन, पिंक, येलो, रेड। रुक जाओ यार, मैं ट्राई करके आता हूँ। ग्रीन, पिंक, येलो, रेड। ग्रीन है उसमें? हाँ ग्रीन तो है, पिंक भी है, येलो भी है, रेड भी। हाँ हो जाएगा शायद। ग्रीन, पिंक, येलो और ये रेड। ओके, खुल गया गाइस। यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से हम लोगों ने दरवाजा खोल दिया है और एक अलग ही रूम में आ गए हैं जहाँ पर काफी सारे कंप्यूटर रखे पड़े हैं। और यहाँ पर टेबल, चेयर। ओ एक सेकंड, वापस से कैसेट। ओके, कैसेट मिल गई है। और जाहिर सी बात है, हाँ यहाँ पर लगाना होगा इस कैसेट को। और इस बार फाइनली कुछ आ रहा है टीवी में। पिछली बार तो कुछ ब्लैक ब्लैक और था और व्हाइट सी लाइट जल रही थी। ग्रैब पैक, आई थिंक अपने को हाथ मिलने वाले हैं यहाँ से। दो भाई हाथ निकालो। ओके, टाइटन द स्ट्रैप्स। ओके, ये नकली हाथ होने वाले हैं। हमारे पास ऑलरेडी अपने हाथ है, बट हम लोग उनको यूज नहीं कर सकते। नकली हमें दो हाथ मिलने वाले हैं। चलो भाई, पुल ट्रिगर टू फायर, पुल अगेन टू रिट्रैक्ट। अच्छा, किसी भी चीज को हम लोग पकड़ के ऐसे खींच सकते हैं या फिर उठा भी सकते हैं। ये काम होने वाला है अपने हाथों का। ओ, एक रेड कलर का हाथ, लेफ्ट हैंड, और नहीं, राइट हैंड, और ब्लू कलर का अपना लेफ्ट हैंड। सही चीज है भाई, लाओ लाओ दो। तो भाई हैंड दो मेरा। कहाँ से निकलेगा हैंड? इसके नीचे से क्या? अरे भाई दो। थैंक यू। हेलो, मैं हाथ दो ना भाई। अरे दो भाई, उसके ऊपर है क्या? एक सेकंड, नहीं भाई इसके ऊपर तो नहीं है। ओ ये रहा, ये अभी तो चमक नहीं रहा था। अच्छा यही है, हाँ। ओ उठा, ओ भाई आ गया आ गया आ गया, लेफ्ट टू फायर। ओके गाइस, यहाँ पर फाइनली इस वाले हॉरर गेम में जहाँ पर अभी तक डर तो लगा नहीं भाई जरा सा भी, वहां पर हमें अपना लेफ्ट हैंड मिल चुका है। और आई थिंक ये जो लेफ्ट हैंड है ये वहां लगेगा जहाँ पर, हाँ ये जो ब्लू कलर का है और ब्लू कलर का अपना हैंड है, बिल्कुल गाइस यहीं पर लगेगा। ओके ये, ओ भाई स्कैन हो रहा है, स्कैन हो रहा है। ओ खुल गया, ओ खुल गया, खुल गया, खुल गया गाइस, खुल गया। ओ भाई साहब, सामने यहाँ पर है अपना हगी वगी। ओ भाई कितना खतरनाक लग रहा है ये, क्या पकड़ रखा है इसने हाथ में? अच्छा अपना ही फैक्ट्री का ही नाम पकड़ रखा है, प्ले टाइम कंपनी। ओके, अब शायद हमें यहाँ अपना हाथ लगाना है। नहीं, अच्छा दो हाथ लगाने पड़ेंगे। मुझे लगता है यहाँ पर जब हमें दूसरा हाथ मिलेगा तब जाना होगा, यहाँ पर एक हाथ लगाना है। ओके, अरे भाई क्या हो गया ये, क्या हो गया ये? और इधर अभी कुछ आवाज तो आई है, पता नहीं किस चीज की आवाज आई है। हेलो, ये दरवाजा खुलेगा क्या? चमक रहा है बहुत ज्यादा। एक चीज तो पता चल गई है गाइस, उस वाले गेम में जो भी चीज चमक रही है ना भाई, वो अपने काम की होने वाली है। अब जैसे ये हाथ वाथ देखो, ये अपने काम की होने वाली है। ये गेट देखो, पक्का ये गेट कैसे ना कैसे करके खुलेगा। फिर जब मैं ये हाथ उठाने गया था, अपना ब्लू वाला हाथ जो है गाइस, ये वाला जो मतलब जिस शीशे के अंदर पैक था वो चमकने लग गया था, तो फिर ये अपने काम आ गया। फिर सबसे पहले गाइस जब हम लोग ट्रेन ढूंढ रहे थे, मतलब ट्रेन नहीं वो कोड ढूंढ रहे थे, तब गाइस उस चमकती हुई ट्रेन ने अपनी हेल्प करी थी। बाकी तो यहाँ पर खिलौने विलौने रखे हैं। अरे ये कैसे खुलेगा भाई? एक सेकंड, चाबी का कुछ निशान बना, चाबी वाबी मिलेगी क्या? हेलो हगी वगी, अबे ये तो दे के बैठा चाबी। ओके, ओ भाई चाबी खींच लिए गाइस यहाँ पर मैंने, और अभी फटाफट से ओ खुल गया, ओ खुल गया, खुल गया, खुल गया। स्टाफ ओनली, हाँ हाँ हम स्टाफ में ही हैं। ओके गाइस, यहाँ पर हम लोग एक स्टाफ रूम में पहुंच चुके हैं। और ये क्या नीचे, पता नहीं। ओके, कुछ उठा सकता हूँ मैं यहाँ पर? हेलो सर, ये क्या चीज है? सर्किट वर्किट सा कुछ तो लग रहा है। ओहो, अभी ब्लू कलर का था, अभी ये पिंक कलर का हो गया। ओके, डेंजर वेंजर के साइन बने हुए हैं गाइस, यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक चीजें हो रखी हैं। भाई यहाँ पर हाथ लगाना है इसे मुझे। ओ भाई खुल गया। ग्रैब टू डाइवर्ट पावर। ओ यहाँ से पावर डाइवर्ट करनी है, किधर? लेकिन किधर किधर? हेलो, टच विथ वायर टू, अच्छा हमें ये जलाने हैं। ओके आई गॉट इट गाइस।
और ये जलाएंगे तो मुझे लग रहा है शायद से फिर वो दरवाजा खुल जाएगा। समझ गया, जल गई लाइट जल गई। आई थिंक अब उस दरवाजे पे हाथ लगाने पे दरवाजा खुल जाएगा। हाँ, खुल रहा है। ओ भाई साहब क्या बात है गाइस, और यहाँ से वो गायब हो गया। ओ भाई वो हगी वगी का बच्चा गायब कहाँ चला गया भाई वो। मेक अ फ्रेंड, यहाँ पर हमें फ्रेंड। ओ भाई अभी यहाँ पर मैंने उसका हाथ देखा। ओ तेरी इतनी जल्दी वो कहाँ गया यार, अब तो डर लग रहा भाई अंदर जाने में। ये दरवाजा खुलेगा क्या? इधर ही गया है और मुझे लगता है गाइस अपने को इधर ही जाना पड़ेगा। भाई अभी उसका हाथ कितना ज्यादा डरावना सा लग रहा था, वो अंदर लेके गया। ऐसा डरावना गया, खिलौना ही तो है क्यूट सा। बेफालतू में ही हम लोग डर रहे हैं गाइस। छोटी मोटी गैस वैस तो ही छोड़ी है किसी ने, और वो एक टॉय ही तो है, टॉय से कौन डरता है। ओके ये देखो, ये ऐसे ही तो टॉय है, वो भी ऐसा कुत्ता बना दूंगा मैं टॉय का तो। ओके यहाँ पर से वापस से कुछ सीढ़ी वीडियो अपने को दिख रही है। सीढ़ी कहाँ पर है इसकी? इस बार सीढ़ी नहीं मिल रही, पता नहीं क्या ही सीन है। ओके ऊपर लाइट वाइट सी जल रखी है। ओ भाई ये क्या है, ये क्या लैंटर्न सी है, उठा लिया मैंने इसे शायद। भाई ये क्या, कुछ बटन वटन है क्या ये? ओ भाई अच्छा ये लग गया यहाँ पे, कुछ तो हुआ नहीं। ब्लू कलर का है और ये भी ब्लू कलर का, और ये रेड कलर का, वो येलो। अच्छा मुझे लगता है तीन और ढूंढने पड़ेंगे ऐसे लैंटर्न, तब जाके कुछ होगा। पता नहीं क्या होगा, कुछ तो होगा ही शायद। ओके नीचे है क्या वो बाकी तीन लैंटर्न, ढूंढते हैं गाइस। मुझे तो लग रहा है यही करना पड़ेगा। मैंने तुम लोगों से क्या कहा था गाइस, यहाँ पर हम लोगों को बस चमकती हुई चीज पर फोकस करना है, वही अपनी मेन चीज है। और यहाँ पर ये किसकी मुंडी है, डॉल वॉल की मुंडी फेंक रखी है। ओके चमकती हुई चीजों पे फोकस करो, बस वही अपने लिए कारगर चीज होने वाली है। जैसे कि अभी वो लैंटर्न बहुत ही बढ़िया तरीके से चमक रहा था, और फिर से यहाँ पर फोकस करते कुछ चमक रहा है, ये तो चमक रहा है। यहाँ पर तो फिलहाल बाद में हाथ लगाएंगे। और कुछ चमक रहा है इधर, कुछ चमक रहा है नहीं। हेलो, ओ भाई मिल गई गाइस, एक और लैंडर मिल गई, इसे भी उठाते हैं। चमकती हुई चीजों पर सिर्फ फोकस करना है। ओके ये एक लीवर है, ओके खींचते हैं इसको फटाफट। ये कहाँ ले जाने वाला है अपने को? खुल गया। ओके खुल गया भाई। अरे ये तो वापस उसी कमरे में आ गए हम लोग। ओ एक और लैंडर मिल गया, ये उठा ले भाई। ओके दो तो हो गए गाइस अपने पास, तीसरा और ढूंढना है अपने को। वैसे ये हग्गी वग्गी का मेरे को हाथ तो दिखा था, वो गया कहाँ अपना हाथ लेके पता नहीं। ओके तीसरा लैंडर कहाँ होगा? इनके ऊपर शायद, मे बी तीसरा लैंडर कहाँ छुपा रखा होगा इन लोगों ने, ढूंढना तो पड़ेगा यार, उसके बिना आई थिंक अपना काम नहीं होने वाला है। हेलो लैंडर भैया, कहाँ पर है तुम्हारा तीसरा वाला लैंडर? ओ ये रहा यार, ऊपर ही तो है। ओके उठा लिया है, और मेरे को समझ में आ गया गाइस करना क्या। देखो यहाँ पर जाना है, वापस से हमें ऊपर जाना है। आई गॉट इट, ओके वापस यहाँ पर आना है और इन लैंटर्न्स को यहाँ पर लगा देना है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ओके तो यहाँ पर ये कुछ जा चुका है, और वो शायद अपना हाथ है यार। ओ भाई हाँ मुझे लग रहा है मेरे को अपना दूसरा हाथ मिलने वाला है। क्या बात है गाइस, अब मजा आएगा ना भाई उस हग्गी वग्गी से फाइट करने में। दो हाथ करेंगे हम लोग उसके साथ। दे भाई दूसरा हाथ, तो कहाँ लेके जा रहा है ये? ए दे, ओ गिरा दिया। ओके कम ऑन गाइस, दो हाथ, अब मजा आएगा ना। सारे दरवाजे खोल सकता हूँ यहाँ से मैं अब इजिली। ओके इसको फटाफट से खोलते हैं और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो। भाई क्या ये अंधेरी सी गुफाओं में, कहीं हग्गी वग्गी का बच्चा ना आ जाए इधर ही। ओ डू नॉट एंटर डेंजर, अरे यार ग्रैब टू कंप्लीट सर्किट, फिर यहाँ पर ये सर्किट के ड्रामे होंगे। यहाँ पर शायद सर्किट लाना है मुझे, यहाँ तक करंट पहुँचाना है, और पहुँचाना कहाँ से है ये चेक करना पड़ेगा। ये सर्किट वर्किट कंप्लीट करने में दिमाग खराब करते हैं। देखो भाई यहाँ पर फिर से ऐसा ही है, खंबा सा है, इसमें फिर लाइट देनी होगी, और लाइट कहाँ से देनी है? लाइट देने का सिस्टम कहाँ है ये तो बता दो भाई तुम लोग। लाइट देने का सिस्टम, ओके यहाँ से लाइट उठानी है, इस खंबे को जलाना है, और यहाँ पे लाइट देनी है आई थिंक। हो गया कंप्लीट हुआ क्या? नहीं हुआ। यार ये लाइट कंप्लीट क्यों करवा रहे हैं ये लोग मुझसे। यहाँ से लाइट उठानी है, इस खंबे को जलाना है। ओके अरे यार, अरे गड़बड़ हो गई, ये बहुत मुश्किल चीज है यार ये तो। यहाँ से लाइट कंप्लीट करना है, यहाँ पर ऊपर जाना है, कम ऑन यार ऊपर जाने दो भाई, और यहाँ पर ले जाकर इसमें कंप्लीट कर देनी है। अरे यार नहीं हो रही है चीज, कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा गाइस। यहाँ से भी रास्ता है क्या? ओके यहाँ से गया मैं, और
और यहाँ से एक खंबा जलाया। अरे नहीं हो रहा भाई, यहाँ से भी नहीं हो रहा। ये यहाँ से ये लाइट ली, यहाँ से ये खंबा जला के ऊपर चढ़ जा, चढ़ जा। अरे और यहाँ पे से कंप्लीट कर दिया। ओ हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। और यहाँ पर अपनी ट्रेन चल पड़ी है शायद, या तो कुछ तो है ये जो चल पड़ा है। गाइस काफी ज्यादा यहाँ पर अंधेरा है। ओ भाई सब हो गया हो गया हो गया। सामने से तो नहीं आ जाएगा वो हग्गी वग्गी का बच्चा। बेटा डरता नहीं हूँ मैं, तेरा मुंह तोड़ दूंगा। कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं हो रहा। अरे भाई फिर कुछ गिराएंगे लोग। डरता ना हूँ मैं इन सब चीजों से, मुझे नहीं लगता डर। पहली बार खेल रहा हूँ तो तुम लोग क्या मुझे डराओगे भाई। डरता नहीं हूँ मैं वैसे, कितना ज्यादा अंधेरा। ओ भाई कहाँ ला दिए इन लोगों ने। हेलो, ओ भाई साहब फैक्ट्री वैक्ट्री में आ गए किसी। अरे फैक्ट्री तो है ही यार ये, मैं कह रहा हूँ फैक्ट्री वैक्ट्री में आ गए हम लोग किसी। ओहो मेक अ फ्रेंड, ये हर जगह मेक अ फ्रेंड क्यों लिखा है। दोस्त बनने के लिए राजी तो है नहीं कोई। मेक अ फ्रेंड 1960 और फाउंड। छोड़ो यार मैं नहीं पढ़ रहा, मेरे पास टाइम नहीं है। ओके ये हग्गी वग्गी के एक बार बस हाथ के तो दर्शन हुए, और किसी चीज के तो दर्शन ही ना हुए। ये क्या खींचना है क्या इस लीवर को, शायद ऐसे नहीं होगा। इसके नीचे जा सकता हूँ मैं, नहीं। क्या करना है यहाँ पर। एक तो ये लोग कुछ बताते नहीं है कि आखिर में करना क्या हम लोगों को। भाई सब पता नहीं क्या ही सीन है इनका भी। यहाँ पर मुझे लग रहा है ये शायद कन्वेयर बेल्ट है, खिलौने विलौने बनते होंगे इधर। ओ ऊपर सीढ़ियाँ भी है, चलो इधर चलते हैं। रास्ता है, हाँ रास्ता है, लेट्स गो गाइस। सीढ़ियों से लगता है हमें कुछ क्लू मिलेगा। ये सीढ़ियों पे क्या पता हग्गी वग्गी मिल जाए भाई। ओ यहाँ पर भी एक सीढ़ी, लेकिन पिछली बार तो सीढ़ी का यूज ही नहीं हुआ था, मुझे नहीं लगता है इस बार भी यूज होने वाला है। चलो आगे चलते हैं। ओ ये रास्ता टूटा हुआ है, आगे कैसे जाऊं मैं इधर से चढ़ के। हेलो हेलो सर, आगे जाने का रास्ता बताएंगे कोई, शायद इधर से पार्कोर करते हुए। नहीं जाना नहीं जाना, कुछ और रास्ता होगा। एक बार फिर से चलते हैं गाइस। वैसे तुम लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो गाइस। यहाँ पर भाई बिना डरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वैसे डरने की बात ही क्या, अभी तक हकी वकी आए कहाँ। तो गाइस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल वाले बटन प्रेस कर देना, और ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना गाइस। इधर कोई बटन वटन है क्या जिससे कंप्लीट हो जाएगा। हेलो बटन, ओ वो रहा, सीढ़ी मिल गई, सीढ़ी मिल गई, सीढ़ी मिल गई भाई। कहाँ कोने में छुपा के रख रखी थी इन लोगों ने सीढ़ी। ओके ये लोग शायद बताएंगे मुझे करना क्या आगे। बताओ भाई, हाथ बस हाथ दिखा रहे हैं तो मुझे बेटा थप्पड़ मारूंगा मैं इसी हाथ से। कुछ तो बता नहीं रहे ये लोग, क्या करना है आगे। एक सेकेंड, हैंडल है क्या। ओ भाई अबे यार, इतनी सिंपल सी चीज थी और ये फिर चीज आ गई मेरा दिमाग खराब करने के लिए। फिर सर्किट दिमाग खराब करने वाला है पक्का गाइस, फिर से सर्किट बनाना है मुझे। और नीचे कुछ हो रहा है क्या, नहीं नहीं दो खंबे दिख रहे हैं मुझे, मुझे पक्का पता है इन दो खंबों से लाइट निकालनी है। और दूसरा सर्किट कहाँ है जहाँ पे कंप्लीट करना है। एक सेकेंड, दूसरा इधर है क्या। ओके गॉट इट गाइस, गॉट इट, समझ में आ गया मुझे क्या करना है। ये सर्किट वाला तो बहुत इजी है, अब तो समझ गया मैं इन सर्किट के चालों को, बहुत इजी है ये। इधर से इसको कंप्लीट किया, अरे आगे नहीं जा पा रहा मैं। यहाँ पर तो यार मेरा हाथ ही खत्म हो जा रहा है। पहुंचते पहुंचते कुछ तो और तिगड़म लगानी पड़ेगी, शॉर्टकट लेना पड़ेगा। शॉर्टकट यहाँ से शायद शॉर्टकट से ले सकता हूँ मैं। रुक जा यार, इसको यहाँ पर खींचते हैं, यहाँ से लिया इसे। लेकिन फिर अब उस तरफ जाऊंगा उधर से घूम के, तो फिर तो लंबा रास्ता पड़ ही जाएगा गाइस। नहीं नहीं इसको वापस भेजो भाई, ओए ले जा तू अपना वापस ले जा। को वापस बुला लेते हैं गाइस, वापस कर दिया है, उसके बिना ही कुछ होगा। यहाँ से कुछ शॉर्टकट पाने का ट्राई करते हैं। इस खंबे को स्किप कर सकता हूँ मैं शायद। ओ भाई पार्कोर स्किल्स, अब तो हो जाएगा ये। फिर भी हाथ छोटा पड़ रहा है ये वाला। ओहो थोड़ा सा दो कदम छोटा पड़ रहा है ये हाथ। एक सेकेंड मेरे पास आइडिया, बहुत ही तगड़ा वाला आइडिया है। पहले इस वाले खंबे को जलाते हैं, फिर इस वाले खंबे को जलाते हैं, और फिर यहाँ से आगे चलते हैं। ओके अरे हाथ वापस ले लिया यार मैंने सर्किट जलाने की बजाय, क्या कर रहा हूँ मैं भी। ओके यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर पार्कोर बहुत ही एपिक। ओके समझ गया, इनके लाइट वाले खेल को तो मैं समझ चुका हूँ बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से। अब तो कितने भी ये लाइट वाले खेल रहे थे मुझे ये लगाया यहाँ पे। ओ हो गया। यहाँ पर शायद से ये फैक्ट्री चालू हो जाएगी, नहीं फैक्ट्री नहीं चालू हुई, यहाँ पर एक बटन के पास जाना है मुझे लगता है। ओ आई थिंक बटन प्रेस करते ही फैक्ट्री चालू हो जाएगी। ओके करो भाई चालू करो फैक्ट्री। ओ भाई साहब क्या हुआ ये, ओ ओ ओ ओ ओ फैक्ट्री चालू। सामने से कुछ डब्बे उतरते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, क्या बनने वाला है यहाँ पर। आई डोंट नो गाइस, शायद से ये अब लीवर मुझे खींचने हैं। हाँ अब लीवर खींच सकता हूँ मैं ये। ओके ओके ओ भाई ये क्या है। तो अच्छा टॉय फैक्ट्री, तो टॉय ही बनेगा सीधी सी बात है, लेकिन टॉय का करना क्या है मैं।
अच्छा हम लोग हगी वगी को खुद ही बना रहे हैं क्या? लेकिन नहीं यार, हाथ तो मैंने उसका पहले ही देख लिया था। पता नहीं ये क्या चीज है। Nobody lives without a toy। यहाँ पर टॉय ला कर रख, ओ एक सेकेंड, अच्छा यहाँ पर टॉय ला कर रखना है और अच्छा वही टॉय बनाना है। ओ समझ गया समझ गया समझ गया मैं, यहाँ पर हम लोगों ने टॉय बनाया। नहीं नहीं, सबसे पहले तो यहाँ की बिजली नहीं थी, तो हम लोगों ने गैस सर्किट कंप्लीट किया, उससे बिजली आई, उससे बटन दबाया, बटन दबाते ही फैक्ट्री चालू हो गई। अब फैक्ट्री में एक टॉय बनेगा, जिस टॉय को हम लोगों को वहाँ रखना है, अब उसके बाद का पता नहीं। फिलहाल तो अभी टॉय का इंतजार करते हैं। टॉय बेटा जल्दी बन भाई, कितनी देर वेट करवा रहा है मुझे। ओ इसकी आँखें जल रही है भाई, आँखों में लाइट जल रही है। टॉय भाई रेडी हुआ तू? ओ ओ यहाँ पर फिर से लेजर वेजर कुछ तो चल रहा है गाइस, भाई बहुत आवाज कर रही है फैक्ट्री, तो शायद से अपना टॉय रेडी होने वाला। ओ आ गया आ गया आ गया, एक छोटा सा क्यूट सा बिल्लू है, बिल्ली है, बिल्ली बिल्ली बिल्ली। यहाँ का शीशा किसने तोड़ दिया? आजा बिल्ली आजा। ओ ये चालू है, ओ कन्वेयर बेल्ट चालू है, ये देखो मैं खिसक रहा हूँ इस पे। हेलो कैटी, कैटी नहीं एक्चुअली मैं टाइगर है शायद। जिसको उठाते हैं वहाँ पर रखते हो। भाई ये डब्बा क्यों नाच रहा है बेमतलब में? ओ तेरी क्या ही सीन है इसका, यहाँ पर रखना है शायद। ओ रख दिया रख दिया रख दिया। टॉयज अच्छा स्कैन कर रही है और टॉय एक्सेप्टेड, और यहाँ पर फाइनली चलो गाइज आगे बढ़ते हैं। ओ भाई ओ तेरी, ओ भाई साहब यहाँ पर फाइनली गाइज आई थिंक अपने दो दो हाथ होने वाले हैं हग्गी बग्गी से। बैठे तेरी खोपड़ी फोड़ दूंगा, मेरे को बंदूक बंदूक तो दो बे, इसको मारूंगा कैसे मैं? अबे कुछ तो दो बे, और खा गया। अबे फाइट तो करने नहीं दी मुझे, फाइट करने दो भाई, लड़ने तो दो भाई मुझे, खा गया आते ही। बेटा मेरे पास हथियार नहीं है वरना तेरा मुंह तोड़ देता मैं। वापस से हम लोग वहीं पर स्पॉन हो चुके हैं गाइस, मुझे लग रहा है पहले हथियार ढूंढ लेना चाहिए, कुछ मिलेगा हथियार वथियार। अबे मेरे हाथ कहाँ गए भाई, अचानक से मेरे हाथ क्यों गायब हो गए? शायद उससे मिलने के बाद हाथ वापस आ जाएंगे मेरे को लग रहा है। अबे हाथ कहाँ गए मेरे, अरे मेरे हाथ कहाँ गए, अब तो मैं फाइट भी नहीं कर पा रहा हूँ इससे। अरे हाथ दे, अबे इधर गेट खुला एक। ओए हग्गी वग्गी भाई दो मिनट रुक जा यार, अरे मुड़ भी गया ये, ले खा जा खा जा खा जा मेरे, खा जा खा जा। एक तो हाथ थे वो भी छीन लिया इन लोगों ने, कितनी गलत बात है ये। हो थैंक गॉड ये हाथ वापस आ गए, उस वक्त पता नहीं हाथ कहाँ चले गए थे, शायद से ग्लिच हो गया होगा। मुझे लगता है गाइज इधर की, अरे ये गेट बंद, अच्छा वो जब आता है तभी ये गेट खुलता। मुझे लग रहा है गाइज मुझे इससे भागना है, मेरे बस की नहीं है फाइट वाइट करना, और ये टॉय कहाँ गायब हो गया पता नहीं। यहाँ पर आते ही इसके मुझे भागना शुरू कर देना है, आई थिंक मुझे बस इतना करना है। ओके मुझे ये लोग कुछ वेपन वेपन देने वाले हैं नहीं, मुझे बस भागते रहना शायद से इससे। ओके भागते रहो भागते रहो, जहाँ रास्ता मिले। ओके लेफ्ट जाना है, ओके राइट जाना है, राइट में रास्ता है। ओके ओ भाई इधर से आ रहा है, ओ तेरी, ओ ये मेरा पीछा कर रहा है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर ये आ कैसे सकता है? खा गया। ओ भाई साहब ये इसके अंदर कैसे घुस के कैसे आ रहे है? पागल वागल है क्या ये हग्गी वग्गी का बच्चा? एक तो मैंने इसे जिंदा किया और मेरे ही पीछे पड़ गया, बताओ यार। ओके वापस से हाथ हमारे पास आ चुके हैं, मुझे लगता है गाइस मुझे बस पीछे मुड़ के देखना ही है। आगे भागते जाओ, जिधर जो रास्ता मिले चलते जाओ, और नहीं चलते जाओ तो मरते जाओ। ओके गाइस यहाँ पर फटाफट से चलते हैं, आगे से लेफ्ट, हाँ लेफ्ट मुझे याद है। ओके यहाँ से राइट, राइट से फिर आगे से दौड़ता हुआ आ रहा होगा कुत्तों की तरह ये। ओके मुझे पीछे देखना ही नहीं है भाई, कोई भी आए मेरे पीछे कितनी भी आवाजें आए मुझे पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है। मैं यहाँ नीचे गिर रहा हूँ कोई बात नहीं, नीचे गिरने तो मुझे पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है। ओके यहाँ पर आगे जा रहे हैं, काफी ज्यादा बढ़िया वाटर स्लाइड टाइप से कुछ तो गुजर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर शायद राइट जा रहा है, ओ भाई साहब अटक गया था 2 सेकंड के लिए मैं तो यहाँ पर। ओके 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 आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। ओके अभी मेरे पीछे ही है शायद, उसके कदमों की आवाज आ रही है। यहाँ पर एक जगह दिख गई है मुझे, यहाँ से निकल जाते हैं। ओके यहाँ पर शायद राइट में जगह है। ओ भाई दरवाजा बंद कर दिया, ओ खोलो बे खोलो खोलो दरवाजा खोलो, ओ खोल दिया खोल दिया खोल दिया खोल दिया खोल दिया, भागो 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 जल्दी जल्दी जल्दी, कमोन 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 कमोन। अबे ये स्लो क्यों कर दिया मुझे, एक तो वैसे ही मैं स्लो भाग रहा हूँ उस हग्गी वग्गी के बच्चे से। ओके 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 दरवाजा दरवाजा पीट रहा है, ओ खोल रहा है खोल रहा है, शायद ये गिराना है मुझे। ओ गया, ओ भाई साहब मैंने रैंडमली ये क्लिक किया और उसने रैंडमली जाकर सीधे वो बॉक्स पकड़ लिए, और फिर मुझे आइडिया लग गया गाइस कि बॉक्स को ही खींचना है। ओ भाई सही हाथ है ये, थोड़ा बहुत इनमें भी एआई है,
बाकी वो हग्गी वग्गी के अंदर खून भी था, वो तो एक टॉय था, खून कहाँ से आ गया उसके अंदर? वो देखो गाइस, खून वून लगा पड़ा है। बाकी हैंड गमाल के गाइस, कुछ भी कहो भाई, ऐसे ही मैंने दरवाजे पे ऐसे हाथ लगाने के लिए दबाया और ये दोनों के दोनों ऊपर चले गए। वैसे जो भी था सही था। अभी फाइनली अब आगे आगे क्या करना है, उसको वापस से जिंदा करना है क्या? ओ भाई साहब, बताओगे कोई? चले जाओ, नहीं तो बंद रास्ता है इधर शायद से। मुझे सामने जो दरवाजा दिख रहा है उधर जाना है। ये क्या है? हेलो सर, सीढ़ी दी है मुझे वापस से। सीढ़ियां बहुत है इस गेम में। इन टॉयज को फांसी क्यों लगा दिया भाई? ये तो गलत बात है। कितने खूबसूरत, ओ भाई ये अलग ही घर में पहुंच चुके हैं गाइस। ये तो अजीब सा ही घर लग रहा है। टॉय फैक्ट्री में ये घर कहाँ से पता नहीं। ओके, उस सीढ़ी का मुझे लगता है गाइस कुछ यूज करना होगा। इधर कोई है भाई? टीवी है इधर। हेलो, टीवी है भाई? टीवी है इस दरवाजे के पीछे। अबे टीवी नहीं है तो मेरे को वो टेप रिकॉर्डर जैसा क्यों दिया है बे गुड़िया? तेरे को फांसी नहीं लगा। यो भाई क्या हो रहा है ये, खत्म? हेलो, क्या बोल रही है? पता नहीं गाइस क्या बोल के निकल गई है। ओके, तो यहाँ पर शायद क्या, हाँ कम्प्लीट ही हो गया। तो यहाँ पर जो गाइस अपना पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 1 था वो फाइनली कम्प्लीट हो चुका है, जिसका नाम था टाइड स्क्वीज। और अगर तुम लोग गाइस इस वाली वीडियो पर लाइक करते हो और कमेंट करते हो तो हम लोग पार्ट 2 भी जरूर खेलेंगे। फिलहाल तो गाइस वीडियो बढ़िया लगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। वैसे एक चीज माननी पड़ेगी भाई, वो जो रन थी जिसमें वो मेरे पीछे दौड़ रहा था भाई, वहां पर मैं सिर्फ एक ही बार मरा और एक ही बार मर के मैंने कंप्लीट कर दिया भाई। जब इसके लिए लाइक तो बनता है गाइस। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय।